हेलो एवरीवन, आईसीआर टेक्नीशियन का पेपर जुलाई 2023 में हुआ था। उसके एलजेब्रा की क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और ये सभी क्वेश्चंस सीजीएल मेंस 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ पी की इक्वल, ये दिया है बड़ा सा एक्सप्रेशन और अक्स की वैल्यू 2.5 दी है और हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसको करते हैं। अक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई अक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5। तो अक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? अक्स प्लस 1 का स्क्वायर, अक्स प्लस 1 का स्क्वायर होता है अक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई, ये देखो, अक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इसको हम लिख सकते हैं अक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पर देखो, 4 में माइनस करूँ और 4 में प्लस कर दूंगा ना, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अक्स माइनस 2 का स्क्वायर होता है अक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, और मैंने 4 घटाया था इसलिए माइनस का 9 आ गया, गुणा। यहाँ पर मैं अक्स से कॉमन लूँगा तो अक्स का क्यूब माइनस का 8। ये भी देखो, 2 का क्यूब है और ये अक्स का क्यूब है, यानी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब यहाँ भी बन रहा है, और डिवाइड बाई अक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर अक्स स्क्वेयर माइनस अक्स माइनस का 2। फिर ये देखो, डिवाइड का साइन है यहाँ पर, इसको मल्टीपल में चेंज करेंगे ना, तो अक्स स्क्वेयर माइनस 25 है। इसको अक्स माइनस 5 इंटू अक्स प्लस 5 लिखेंगे, अक्स माइनस 5 इंटू अक्स प्लस 5 डिवाइड बाई अक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इस लाइन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है, अभी तक कुछ नया नहीं किया है। वो ए का स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ भी, और यहाँ पर अक्स प्लस 1 का स्क्वायर है, अक्स प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई, ये 9 की जगह 3 आएगा, 3 का स्क्वायर होगा, तो होगा अक्स माइनस 2 माइनस का 3, यानी अक्स माइनस 5, और एक होगा अक्स माइनस 2 प्लस का 3, यानी अक्स प्लस 1 इंटू, ये अक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है? ये 2 का क्यूब है, अक्स माइनस 2 अक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 2x। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab डिवाइड बाई अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस 2 इंटू अक्स माइनस 5 अक्स प्लस 5 डिवाइड बाई, ये देखो, अक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4, अक्स स्क्वायर प्लस का 2x ये रहा प्लस 4, ये देखो, ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अक्स माइनस 5 अक्स माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, ये अक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से। अल्टीमेटली बचेगा क्या? अक्स प्लस 1, ये अक्स माइनस 2, ये अक्स प्लस 5 डिवाइड बाई, ये टर्म बचिए अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस 2। इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो यही बनेगा, करके देख लो, अक्स स्क्वायर माइनस का 2 और माइनस का अक्स, ये आ रहा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? अक्स प्लस 5, अक्स की वैल्यू 2.5, 2.5 प्लस 5 7.5 आंसर, दो नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लेक्चर की मैंने PDF डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पर, पहले से ही टेलीग्राम चैनल है @agnesssc_ है बीच में। इफ x के इक्वल दिया है 4.5 एंड y के इक्वल दिया है 1.5, देन दी वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस y, x प्लस y और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, अक्स माइनस वाई और अक्स प्लस वाई, ये क्या होगा? अक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। फिर इसको देखो, अक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बन जाएगा। ये देखो, ये क्या है? अब देखो, अक्स प्लस वाई का क्यूब करो तो अक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy अक्स प्लस वाई, ये देखो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? अक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। अब यहाँ आओ, अक्स है और इसको डिवाइड कर दी, अक्स है और डिवाइड किया है अक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस अक्स वाई, तो
क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई, टू एक्स वाई प्लस का आएगा और माइनस का पहले से दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखो, ये नीचे का लिखा हुआ है ना, माइनस का तीन एक्स वाई, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई आएगा, माइनस का तीन एक्स वाई ऑलरेडी है, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। और ये देखो देखो एक्स माइनस वाई है और ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कैंसिल, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखो, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब होगा एक्स प्लस वाई, और फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। तो देखो एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और इससे कैंसिल हो जाएगा ये वाला, अल्टीमेटली क्या बचेगा, ऊपर की साइड देखो ये एक्स है और यहाँ बचा है एक्स माइनस वाई, एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू हमें दी है 4.5 और वाई की वैल्यू दी है 1.5, एक्स की वैल्यू 4.5 है, वाई की वैल्यू 1.5 है, तो वैल्यू पुट करेंगे 4.5 डिवाइड बाई 3 और इसका आंसर आ जाएगा 1.5। आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओगे तो सीजीएल मेंस 2023 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस बार का मेंस आसान नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्स की वैल्यू दी है 3.5 और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है हमें, अक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 9 डिवाइड बाई, ये देखो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बन गया, तो अक्स प्लस वाई और अक्स माइनस वाई, अक्स प्लस 5 और अक्स माइनस 5, ये डिवाइड का साइन है, इसको हटाएंगे तो देखो अक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 10, अक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 डिवाइड बाई, ये देखो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब 27 है, 27 यानी 3 का क्यूब, तो अक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब क्या होता है, अक्स माइनस वाई, अक्स माइनस 3, और अक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर है यहाँ पर 3, यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और प्लस का अक्स वाई यानी 3x इंटू, ये एक का स्क्वायर कर दें यहाँ पर और अक्स माइनस 4 का स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो अक्स माइनस 4 माइनस का 1 यानी अक्स माइनस 5, और एक होगा अक्स माइनस 4 प्लस का 1 यानी अक्स माइनस 3 डिवाइड बाई, ये है अक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी अक्स प्लस 2 अक्स माइनस 2। अक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 3x, इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अक्स माइनस 3 है, अक्स माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, अक्स माइनस 5 है, अक्स माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसके देखो फैक्टर करो, अक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 के फैक्टर हो जाएंगे, देखो इसको लिख सकते हैं हम अक्स माइनस 5 और अक्स प्लस 2, तो देखो क्या हो रहा है, अक्स स्क्वायर माइनस का 3x बन रहा है, तो इसको देखो यहाँ पर प्लस करो और यहाँ पर माइनस करो, तो अक्स प्लस 5 इंटू अक्स माइनस 2 डिवाइड बाई अक्स प्लस 5, ये देखो, और एक ये है अक्स माइनस 2 और एक ये रहा अक्स प्लस 2, और सब कैंसिल हो गया था, ये देखो कैंसिल हो गए, और बच्चा क्या है 1 अपॉन अक्स प्लस 1, अक्स प्लस 2 है ये 1 नहीं है, लास्ट में 1 अपॉन अक्स प्लस 2 रहा है, और अक्स की वैल्यू हमें दी है 3.5, 3.5 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 5.5, और पॉइंट हटाएंगे, जीरो लग जाएगा ऊपर, 5 से काट देंगे 2/11 आंसर आ जाएगा। तीन क्वेश्चन कराए मैंने और अभी 15-20 क्वेश्चन और है, सभी करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू।